हे गाइस, तो आप लोग भी आफ्टर शूट के टाइम पे कुछ इस हिसाब का रिटच करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में ही लाइटरूम और स्नैपसीट के अंदर, तो वीडियो को स्टार्ट कर दे गाइस, फुल एंड तक देखना। सो गाइस, जिनका फोटो रिटच करने वाला वो मैं खुद हूँ, शादाब भाई ने क्लिक किए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो ये तीन फोटो है जो DSLR से फोटो निकाली हुई है, आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हो, काफ़ी डिटेलिंग अच्छी है और इमेज जो है वो काफ़ी शार्प आई हुई है। तो ये मैंने निकॉन D3400 से निकाला हुआ है 70-300 के लेंस से, तो इसकी डिटेलिंग आप लोग देख सकते हो। तो मैं इसको रिटच करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये इंस्टाग्राम पर अपलोड करना रहता है, तो इसको मैं कर लेता हूँ लाइटरूम के अंदर शेयर तीनों फ़ोटो को। तो यहाँ से तीनों फ़ोटो को मैं लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेता हूँ। सो गाइस, तीनों फ़ोटो को मैंने लाइटरूम के अंदर शेयर कर लिया और आ जाते हैं लाइटरूम के अंदर। तो ये जो प्रीसेट है ये मैं इसमें चढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग को तीनों फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ। ये तीनों फ़ोटो मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पे जो प्रीसेट है फ्रिकी शटर पोज वाला, तो इस ये प्रीसेट हम लोग यूज़ करने वाले। तो यहाँ से 3 डॉट से जस्ट इसकी सेटिंग्स कॉपी कर लेता हूँ और अपने फ़ोटो पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोग इफ़ेक्ट देख सकते हो कि मीन्स एकदम ब्राइट हो गया है और कलर हो चुका है इसमें। तो इसमें मेरे को क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के बाद मैं समझो कि इतना हल्का सा जो पोर्शन है और ये जो बीच में आप लोग देख सकते हो ग्रिड, तो ग्रिड में रखकर एकदम प्रॉपर शेप मीन्स मेरा जहाँ पे बॉडी है वहाँ पर उसको एकदम प्रॉपर तरीके से सेट कर लेता हूँ। और मैं इसकी डिटेलिंग देख लेता हूँ और सेटिंग्स देख लेता हूँ कि क्या क्या है। तो शार्पनिंग 50 है इसमें, क्लैरिटी 30 है और इसकी जो डेप्थ है ये -6 है और सैचुरेशन कलर ग्रेड मीन्स जितने भी सब है यहाँ पे मीन्स परफेक्ट है। इसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इसमें अगर ऐसा सेम टोन नहीं चढ़ता है तो आप लोग कुछ चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देना। तो ये फ़ोटो एकदम रेडी हो चुकी है गाइस, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये इमेज एक्सपोर्ट हो रहा है गाइस, मतलब अपनी गैलरी में आ जाएगा। तो यहाँ से हो चुकी है ये एक्सपोर्ट। तो फिर मैं सेकंड फ़ोटो पे आ जाता हूँ और वही जो सेटिंग्स मैंने कॉपी की थी वो यहाँ से मैं पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद वैसे ही सेम टाइप का इफेक्ट आपके फ़ोटो पे चढ़ जाएगा। चढ़ने के बाद इसको क्रॉप करना है आप लोग को 4x5 के इसमें, क्योंकि आप लोग को ऑब्वियसली अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है तो 4x5 के इसमें ही आप लोग को क्रॉप करना पड़ेगा, 4x6 का प्रॉपर नहीं बैठता उसमें। तो मैं क्रॉप करके आप लोग देख सकते हो वहाँ का जो कार था मैंने उसको छुपा दिया है, और कुछ आप लोग इस तरीके का तीन पोज खिंचा सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको एकदम प्रॉपर सेट कर लिया। ग्रिड करके मैंने जो इसको माइनस थोड़ा सा मैंने 2-58 डिग्री में मैंने घुमा दिया है इसे, और ये एकदम प्रॉपर हो गया है। अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो सर के ऊपर के का जो हिस्सा है मेरा वहाँ पे पोर्शन जो है वो काफ़ी ऐसा ब्लैक टाइप का लग रहा है, तो मैं उसको चेंज करूँगा मिक्स कलर में जाने के बाद। मिक्स कलर में जाने के बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या करना है इसमें। तो ये एरो वाला ले लेना है, सैचुरेशन को हटा के आपको ल्यूमिनेंस पे क्लिक करना है, तो आप लोग जो है उसकी फेस की आपकी ब्राइटनेस यानी कि ल्यूमिनेंस उसको बढ़ा के आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट इसमें आप लोग को वही पोर्शन दिखता रहेगा कि मीन्स मेरा जो फेस है वो काफ़ी डार्क दिख रहा है उसमें, ऊपर की तरफ का जो पोर्शन है मेरा सर का। तो मैं इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे इसको रिटच कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो तीन कॉम्बिनेशन वाला फ़ोटो है, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं तीन कॉम्बिनेशन वाला फ़ोटो डालता हूँ, तो उसके लिए मैं ल्यूमिनेंस इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि जो कलर है वो एडजस्टमेंट हो जाए। तो मैं कर लेता हूँ इसे अंडू क्योंकि ये प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ से जो है हल्का सा इसको ल्यूमिनेंस बढ़ा के रख लेता हूँ, यानी कि मैं इसको कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने अभी +43 तक मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से बिफ़ोर आफ्टर नहीं होगा, तो आप लोग इसको टैप करके आप लोग को बिफ़ोर आफ्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मीन्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट इमेज को, और इसका सेव होने के बाद जो है लास्ट वाला जो फ़ोटो है उसका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये हो चुका है एक्सपोर्ट। तो वापस चलते हम लोग तीसरे वाले फ़ोटो पे, तो उस पर पेस्ट सेटिंग कर देते, और ये इमेज का आप लोग पीछे देख सकते हो जो पूरा ग्रे टाइप का हो चुका है,
और हम लोग के जो तीन फोटो में था ऐसी सेम है, तो इसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसको भी मैं 4x5 के इसमें क्रॉप कर लेता हूँ इंस्टाग्राम के साइज़ में, और यहाँ से साइज़ में करने के बाद ये फ़ोटो एकदम आप लोग देख सकते हो कि एकदम प्रॉपर एकदम बरोबर निकाला हुआ है। तो यहाँ की तरफ भी आप लोग ऊपर पोर्शन देख सकते हो कि ऊपर का जो सरका है मेरा वो ब्लैक था, तो उसको मैं ल्यूमिनेंस थोड़ा सा हल्का बढ़ा लेता हूँ, और ल्यूमिनेंस को मैं रख लेता हूँ +50-48 तक के आसपास। और उसको रखने के बाद मैं चले जाता हूँ अभी यहाँ से डन करके। और जब गाइज मैंने डन कर लिया तो इसको भी जो है वो इमेज को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब इमोज एक्सपोर्ट होने के बाद जो है आप लोग गैलरी में इसको रिव्यू देख सकते हो कि मैंने जो है ये लाइट रूम के अंदर ही खाली कलर ग्रेड किया है इसे और रिटच कर लिया है। तो अभी इसको मैं देख सकते हो, अभी मैं इसको जो है स्नैपसीट के अंदर जो है उसको मैं इसमें शेयर करके जो है उसमें और थोड़ा मैं कलर में चेंजेस करूँगा। जैसे आप लोग देख सकते हो कि फ़ोटो में काफ़ी शेडो दिख रहा है, तो वो सब थोड़ा हम लोग क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे स्नैपसीट में शेयर। तो यहाँ से स्नैपसीट के बाद मैं यहाँ पे कोई इफेक्ट यूज़ करने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकॉन दिखता रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से जो है आप लोग को यहाँ पे पोर्ट्रेट करके एक आइकॉन दिखता रहेगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोग कॉम्बो 1 कॉम्बो 2 देखना आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग कॉम्बो 2 की जो फेस स्पॉटलाइट है वो आप लोग अगर बढ़ाओगे तो आप लोग के जो फ़ोटो में जो फेस का जो मतलब ब्राइटनेस है वो काफ़ी आ जाएगा। तो इसमें और भी सारी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएगी, बट इसमें से जो है मैं कॉम्बो 3 वाला यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जो इमेज की जो शेडो है वो हट जाएगी इसमें, आप लोग देख सकते हो बिफ़ोर आफ्टर। तो यहाँ से जो है मैं इसकी फेस स्पॉटलाइट को 40 कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है और कुछ हम लोग को छेड़ना है नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे हील का ऑप्शन देख सकते हो, तो मैं इसको हील कर लूँगा। ये जो पीछे का पोर्शन है ये वाइट वाला जो है जो मुझे मतलब रिमूव करना है, तो उसको आप लोग हल्का हल्का करके हील कर सकते हो। तो मैं इसको अभी पूरा करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक लाइन खींच लिया और वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि बैकग्राउंड जो पीछे का था वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते चले जा रहा है, यानी कि हील होते हुए चले जा रहा है। तो ये जो कार है आप लोग पीछे देख सकते हो, मैं उसे भी हटाने वाला हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो आप लोग को ऑब्वियसली मालूम है कि काफ़ी सारी अभी रास्ते पे भी गाड़ी खड़ी हुई रहती है, क्योंकि सारे रास्ते भी आधे से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। तो ये जो है पीछे का जो डिवाइडर के यहाँ पे जो गाड़ी था उसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यानी कि हील कर रहा हूँ, ताकि मीन्स ज़्यादा कार ना दिखे। बैकग्राउंड भले से ही थोड़ा मतलब हील टाइप का लगे, लेकिन चलेगा वो, क्योंकि हमारा फोकस मॉडल की तरफ रहेगा। तो ये बिफोर आफ्टर देख सकते हो, मैंने इतने सारे जो कार्स थी ऊपर की जो प्लास्टिक थी वो रिमूव कर लिए मैंने। तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ, और यहाँ से शेयर करके मैं अलाउ करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपनी इमेज को। तो यहाँ से इमेज सेफ हो चुकी है गाइस। फिर मैं अपने गैलरी में चले जाता हूँ, और गैलरी में जाने के बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेकेंड वाले इमेज को टैप। तो यहाँ पे ये वाला जो सेकेंड इमेज है इसको भी हम लोग जो है स्नैपसीट के अंदर शेयर कर लेंगे वापस से। और स्नैपसीट के अंदर शेयर करने के बाद वापस से हम लोग को पेंसिल के आइकॉन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस से चले जाना है पोर्ट्रेट में, और अगर आप लोग को ये ऑप्शन लगेगा तो आप लोग ट्राई हार्डर कर लेना। और यहाँ पे कॉम्बो 3 आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी लग चुका है इसमें। तो कॉम्बो 3 लगने के बाद जो इसकी फेस की जो स्पॉटलाइट है उसको आप लोग को रखना है 48-50 के बीच में। तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बट इसमें मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन थे मैंने सब ट्राई कर लिया। तो मैंने इसको रखा है +55, और यहाँ से कर लेता हूँ इसे डन। और यहाँ से भी मैं इसे हील का टूल यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिवाइडर है उसको मैं करने वाला हूँ हील। तो यहाँ से मैंने पहले जो है उसे डिवाइडर को गायब कर दिया। अब यहाँ पे जो वाइट कलर की लाइट दिख रही है वहाँ पे मैं खाली ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए चले जाता हूँ सिंपली, ताकि ये जो वाइट लाइन है ये भी हील हो जाए, और ये जो यहाँ पे ब्लर वाला जो ऑप्शन दिख रहा था वो यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ से हो चुका है ये हील, बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हो।
फिर यहाँ से मेरे को करना है राइट, फिर कर लेते इमेज को यहाँ से एक्सपोर्ट। फिर एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आप लोग को थर्ड वाली फ़ोटो एडिट करके दिखाऊंगा। तो ये हो चुका है रेडी। फिर रेडी करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ, थर्ड वाले फ़ोटो को शेयर कर लेता हूँ। यहाँ से शेयर करने के बाद वापस से पेंसिल आइकॉन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से मैं पोर्ट्रेट में चले जाऊँगा। अगर आप लोग को ये ऑप्शन दिखेगा तो ट्राई हार्डर करके ले लेना। फिर यहाँ से जो है मैंने कॉम्बो 3 वाला लिया हुआ है पोर्ट्रेट का इफेक्ट, और यहाँ से जो है मैं इसकी स्पॉटलाइट को +55 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है कोई हील का मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं इसमें हील करने वाला नहीं हूँ गाइस। तो इसको भी कर लेते हम लोग एक्सपोर्ट। तो ये इमेज हो चुकी है एक्सपोर्ट। आप लोग तीनों फोटो देख सकते हो, ये लाइटरूम और स्नैपसीड के अंदर मैंने रिटच कर लिया और कलर ग्रेड कर लिया है गाइस। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर लेता हूँ गाइस। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आओगी। अगर वीडियो समझ में आओगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट।